हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इनक्लैम ब्यूटीज। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं 2-in-1 साड़ी की ड्रेपिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इस साड़ी में मैं आप लोगों को ब्राइडल लहंगा साड़ी को ड्रेप करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है 2-in-1 साड़ी। इसका सेंटर वाला पार्ट जो है आप देख सकते हो पूरे लहंगे डिज़ाइन का है। तो देखिए, ऐसी साड़ियों को ड्रेप करने से पहले हमें इसका सेंटर वाला जो डिज़ाइन है उसको हम अपने सेंटर पे रख के पहले देख लेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा राइट वाला जो पार्ट है वो कितने दूर तक हमें टक करना है। तो एक बार अंदाज़ा मिल जाने के बाद, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा आपका कपड़ा बच रहा है, ऐसे तो ये साड़ी काफ़ी हेल्दी वाले लोगों के लिए भी देखकर बनाई जाती है, तो मेरे शरीर पे जो है वो इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो इतना बच जा रहा था, तो मैं इसको फोल्ड कर दे रही हूँ और फिर इसको मैं अपनी राइट हैंड साइड से टक करना शुरू करूँगी। नीचे की तरफ लेंथ आप उतनी ही रखिए जितनी साड़ी पहनने के लिए करते हैं। अब इसके बाद आप अपनी राइट की तरफ से थोड़ा सा इसको टाइट खींचते हुए इसकी एक राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन जो रहेगा वो बिल्कुल हमारे सेंटर पे आ जाएगा। तो इस साड़ी में ना सेंटर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है, तो देखिए हम उसको किस तरीके से टक कर देंगे। तो पहले तो हम इसको कुछ ऐसे बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए इसको एक बार टक कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हेवी है, तो अगर हम इसको सिक्योर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये बीच फंक्शन में या फिर किसी भी आप जगह पे आप जा रहे हो तो उस जगह पे खुल जाए। तो इसीलिए इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम बीच में सेफ्टी पिन लगा देंगे सुई की तरह चलाते हुए। तो यहाँ पे टोटल मैंने 3 सेफ्टी पिन अपने कमर पे यूज़ किया है और बड़ी वाली सेफ्टी पिन मैंने यूज़ किया है। बिल्कुल आप अपनी जो पेटीकोट पहनते हो ना उसको बिल्कुल टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पोर्शन हेवी रहता है हमारा। और नहीं तो एक डोरी वाला भी आता है, आप चाहो तो इसकी जो कमर वाला पोर्शन है केवल उसमें आप डोरी डाल सकते हो। तो ये देखिए, डोरी वाली भी आपकी इस लहंगे साड़ी को उतनी ही सिक्योर रखेगी जितना कि ये सेफ्टी पिन रखेगी। अब इसके बाद हमारा इसका जो पल्लू वाला पार्ट है इसको हम सामने की तरफ ले आएंगे और जितनी पतली इसकी बॉर्डर है ना दोनों साइड, हम उतनी ही पतली इसको प्लीट्स में अरेंज करेंगे। तो इसमें जो दोनों बॉर्डर के बीच में जो चौड़ी सी पट्टी आई हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी स्टोन वाली थी, तो इसलिए उसमें पतली पतली प्लीट्स अरेंज करना किसी और ट्रिक से आसान नहीं था, इसलिए मैंने ये ट्रिक यूज़ किया है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से हम इसको इसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम एक पेग लेंगे और पेग को थोड़ी दूर तक, अब जस्ट ऊपर वाली बॉर्डर से हल्का सा नीचे वाली फैब्रिक को हम इसी तरीके से प्लीट्स में अरेंज करेंगे और फिर एक पेग लगा देंगे। अब इसके बाद ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारी ये लेंथ है पल्लू की वो बिल्कुल सफिशियंट है, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा लेंथ को प्लीट्स में अरेंज करेंगे इसी तरीके से और फिर इसको रखेंगे हम अपनी राइट साइड की शोल्डर पे। तो यहाँ पे उल्टा पल्ला हमारा क्योंकि लॉन्ग नहीं हो सकता था, इसीलिए इसको हम अपनी कंधे पे रख कर सीधा पल्ला ही लेंगे। अब देखिए, इस साइड पे ना पिन लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है उल्टे हाथ से, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि केवल ऊपर वाली बॉर्डर को हटाकर बाकी सभी प्लीट्स को लेकर मैं अपनी ब्लाउज के साथ ऊपर से ही पिन लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमारा ये जो दूसरा वाला बॉर्डर है इसको हम ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए छोटा सा प्लीट बनाएंगे और इसको ऐसे लंबा ले जाते हुए हम सभी प्लीट्स के नीचे रखकर इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। अगेन मैं पिन इसी तरीके से लगा रही हूँ क्योंकि ब्लाउज के नीचे से लगाना हाथों से नहीं बनता है। अब इसके बाद ये वाली जो बॉर्डर है इसको हम पीछे ले जाएंगे और अपनी ब्लाउज की एंड में पिनअप कर देंगे।
ये देखिए हमारा सीधा पल्लू वाला स्टाइल रेडी हो गया है। अब इसके बाद अगर ऐसी साड़ियों के साथ आपको लेना है सर पे घूंघट, तो घूंघट लेने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी इस टाइप की क्लिप। ये विक्स या फिर हेयर एक्सटेंशंस को आपके बालों में सेट करने के लिए आती है। इसका जो एक साइड होता है वो कंघी टाइप का होता है, तो इससे आपकी बाल जो होती है ज़्यादा खिंचती नहीं है, और हेवी से हेवी दुपट्टा भी इससे आराम से आपके सर पे कैरी हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो बॉर्डर है लास्ट वाला, हमें वो उठाना है और सर पे ले जाना है। फिर हमें इस बॉर्डर को उल्टा करना है, और इसका जो पतला वाला फैब्रिक है, क्योंकि जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो इसीलिए हम नीचे वाला फैब्रिक उठाएंगे और फिर इस पतली फैब्रिक पे हम अपनी बालों को अटैच करते हुए क्लिप लगा देंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 4 क्लिप यूज़ करूँगी, 2 अपनी राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे। और लीजिए इस तरीके से आपका घूंघट जो होगा परमानेंटली आपके हेड पे सेट हो जाएगा। ये देखिए, सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको हेयर विग वाली क्लिप्स नहीं मिलती हैं तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इस लहंगे साड़ी की भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं अब मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।